ये कर रहा हूँ। और ये देख पा रहे हो आप लोग, एब्स आ गया, देख पा रहे हो? तो मैं ऑब्लिक्स दिखाऊँ, देखिए ऑब्लिक्स भी आ गया। देखिए अभी का जो कैलोरी इंटेक है वो है आपका 2000 कैलोरी, और प्रोटीन जो है वो है आपका 190 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा है, 210 ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे 15 दिन के बाद फिर मुझे नीचे जाना है। बट उससे पहले तीन यहाँ पे चीज़ बोलना चाहता हूँ जिसके लिए फैट लॉस जो है वो प्रमोट नहीं होता है किसी का, फैट लॉस कर नहीं पाते लोग। एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए जो बहुत जन स्किप करते हैं, जिसके लिए फैट लॉस जो है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है या फिर आप बोल सकते हो कि मसल हाइड्रेशन जो है और न्यूट्रिशन जो है वो जो पहुंचना चाहिए मसल में वो सही से पहुंच नहीं पाते, वो है आपका वही बात होता है कि जैसे लो कार्ब्स में हो, लो कार्ब्स में क्या होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो दिन का बहुत ही कम रहता है, जिसके लिए आपका जो पॉटी जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। उसके साथ साथ रात का जो खाना है वो देखने लायक है, रात का खाना जो है उसको मिस मत कीजिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी जो दिखाने जा रहा हूँ ये अगर आप खा सकते हो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कोड फिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज का जो वीडियो है वो वीडियो है फुल डे डाइट के ऊपर। आप लोग बहुत जन रिक्वेस्ट किए थे कि मेरा अभी का जो कटिंग मतलब फैट लॉस का जो डाइट है वो क्या है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ आज। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सप्लीमेंटेशन जितना कम हो सके उतना ही यूज़ किया गया, उतना कम यूज़ किया गया सप्लीमेंट्स, और पूरा घर का जो खाना है उसके ऊपर बेस करके ये जो डाइट प्लान है इसको यहाँ पे कन्फिगर कर किया गया। इस चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने मेरा जो कोच है प्रेप कोच जो है उसको चेंज किया 3 महीने के लिए, और उसके पीछे कुछ रीज़न है बाद में बताऊँगा। अभी आज का जो वीडियो है वो वीडियो है डाइट प्लान के ऊपर, तो चलिए एक एक करके पूरा डाइट प्लान जो है वो दिखाता हूँ, कौन सा सप्लीमेंट्स फैट लॉस के टाइम में आप यूज़ कर सकते हो, बट वो नॉमिनल मतलब बहुत ही कम खर्चे में, मतलब नया जो कोच आया है उसमें मुझे बहुत ही नॉमिनल सप्लीमेंट्स दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो घर का जो खाना है वो इंक्लूड किया है, और उससे एक बेहतरीन जो रिजल्ट है वो मुझे अभी देखने के लिए मिल रहा है। मेरा स्किन फैट परसेंटेज भी बहुत ड्रॉप हो रहा है, बट अभी जो बॉडी है थोड़ा फ्लैट आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं सुबह अभी तक कोई भी कार्ब्स लोड नहीं किया, जस्ट एकदम एम्प्टी स्टमक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पानी भी नहीं पिया, जस्ट वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ इसके लिए। तो जैसे जैसे कार्ब्स मैं देते जाऊँगा, जितना भी कार्ब्स है दिन का बॉडी उतना आपका फुलनेस जो है वो दिखना स्टार्ट होगा। तो चलिए धीरे धीरे दिखाता हूँ, दिन के एंड में दिखाऊँगा कि बॉडी का जो पम्प जो है वो कैसा है। अभी आपको ऐसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, बट स्किन फैट परसेंटेज जो है आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट जो चीज़ मैं एम्प्टी स्टमक लेता हूँ वो है आपका कॉफ़ी, और कॉफ़ी से ही स्टार्ट करता हूँ। कॉफ़ी से क्या होता है कि मेरा जो भूख जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जिससे मेरा एपेटाइट कंट्रोल में रहता है। तो इतना सा कॉफ़ी, ठीक है, कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी ले सकते हो, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ जो है मील नंबर 1, और पूरा जो फैट लॉस का जो डाइट प्लान है इसको 5 मील में डिवाइड किया गया। आप लोग को अगर प्रॉब्लम होता है तो आप 6 मील में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट बेसिकली मैं इसलिए किया हूँ ताकि मैं ऑफिस करता हूँ तो कन्वीनियंट मुझे थोड़ा कन्वीनियंट हो रहा है 5 मील, इसके लिए मैंने 5 मील में पूरा जो दिन का जो खाना है उसको डिवाइड कर लिया। सॉरी, अभी फास्ट जो मील है वो मील आपका ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में थोड़ा हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे और प्रोटीन भी डिसेंट मात्रा में रहेगा। सो देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बोल दूँ कि सप्लीमेंट्स यहाँ पे जितना कम हो सके उतना कम यूज़ किया गया ब्रेकफास्ट के टाइम में, और पोस्ट वर्कआउट के टाइम में ही सिर्फ वे प्रोटीन है, बट कैसे उसको हम लोग ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। कोई भी फैट बर्नर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक सा सप्लीमेंट्स सब इसको एफोर्ड कर सकते हैं, केमिस्ट शॉप से आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देखिए वीडियो को पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसमें मुझे लेना है 200 से 300 ml के आसपास पानी, और जो ओट्स होगा वो आपका 1.5 स्कूप मतलब ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स के आसपास, ये 1 स्कूप, ये आपका 32 ग्राम,
और ये आपका हाफ स्कूप, ठीक है। ये हो गया आपका ओट्स, कोई भी ब्रांड का ओट्स यूज कर सकते हो, ये एमबी का ही है, बट ओट्स जो है प्लेन ओट्स, कोई भी फ्लेवर्ड वाला नहीं है, फ्लेवर वाला यूज मत कीजिए। अभी इसमें आपको देना है सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट, कोई भी ब्रांड का। अभी मैं यहाँ पे अवतार का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं अवतार का स्पॉन्सर एथलीट हूँ अभी, सो अवतार आइसोलेची मैं यूज कर रहा हूँ। और ये स्ट्रिक्ट मुझे बोला गया कि लास्ट जो तीन महीना भी नहीं है, 70 डेज के आसपास कुछ बाकी है, मुझे बोला गया कि आपको आइसोलेट वे प्रोटीन ही लेना है। और मैं अभी नया प्रेप कोच के अंडर हूँ तो जिसके लिए पूरा सब कुछ चेंज हो गया और मुझे बहुत बेहतरीन एक फील हो रहा है अभी जो डाइट में हो। बट आप लोगों को बोल दूँ कि आपको ऐसा, अगर आप प्रेप में हो या फिर आपका फोटोशूट है जो भी है, तब आपको आइसोलेट वे प्रोटीन ही प्रेफर करना चाहिए कैलोरी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आइसोरिच अवतार का मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि इसका टेस्ट के लिए, कभी कभी क्या होता है कि वे प्रोटीन आप पीते हो बट टेस्ट भी मैटर करते हैं। सो चोको हेजलनट ये फेवरेट है, आप देख पा रहे हो, सो ये आप ले सकते हो। मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ अवतार आइसोरिच को। और मेरा जो कोड है कोड फिट अवतार, ये कोड लगा के आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा जितना भी प्राइस हुआ पे है ऑनलाइन में अवतार का ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद और एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसको पता है सबको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको पता नहीं है वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका बेरीज, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ऐड करना है, आप स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हो, ब्लूबेरी ऐड कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे मिक्स्ड बेरीज यहाँ पे है, गिर गया, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आपको लेना है, ठीक है। हो गया आपका 50 ग्राम्स, ये 100 ग्राम का पैकेट है। ये मैं 100 ग्राम इसलिए लिया कि फर्स्ट टाइम ये ब्रांड का मैं परचेस किया, मुझे टेस्ट करना है कि सही है कि नहीं है, अगर सही नहीं है तो मैं नहीं लूँगा, दूसरा ब्रांड ट्राई करूँगा, इसलिए थोड़ा कम लिया, देखते हैं कैसा है, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, मतलब चेंज करेंगे या फिर इसको ही कंटिन्यू करेंगे, जो भी है मतलब चामच दो। सो ब्रेकफास्ट जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसके साथ आपको एक बनाना लेना है, ठीक है। मैं आपको बोला था कि थोड़ा हाई कैलोरी होगा और हाई कार्ब्स होगा जो आपका ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे आपका जो आमंड है वो आपका पानी के अंदर है ओवरनाइट, इसका मुझे लेना है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट 5-6 आमंड मुझे लेना है ब्रेकफास्ट के साथ। सो ये है ओवरऑल मेरा ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे मैं कुछ छोटा छोटा टिप्स आप लोग को देना चाहता हूँ। देखिए ऐसे फैट लॉस के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, ठीक है। सो बेस्ट है कि आपका जो मील है उसका जो टाइमिंग है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में कर लीजिए, लाइक 2-3 घंटे के अंदर एक एक मील आप लीजिए। बट वो डिपेंड करता है आपका एपेटाइट के ऊपर, अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है, बट मुझे भूख लगता है इसलिए मैं 2 घंटे के अंदर मील प्रेफर करता हूँ। बट जो प्री वर्कआउट जो मील है उसके बाद से जो रात का डिनर है उसके अंदर जो गैप रहता है अराउंड आप पकड़ लीजिए 4-5 घंटे का गैप हो जाता है, ठीक है। तो 9-9:30 बजे मैं अभी डिनर जो है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको फैट लॉस ही करना है तो डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि आपका फैट लॉस कोई सप्लीमेंट्स के ऊपर, सप्लीमेंट से कुछ नहीं होता है, खाना जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो वही फोकस कर रहा हूँ और खाना देख के भी आपको पता चल रहा है। तो आपको सिर्फ लेना है एक आइसोलेट वे प्रोटीन, आपको 2 चीज़ चाहिए, एक है आपका ओमेगा 3, यहाँ पे मैंने रिसेंटली बायोजाइम का जो ओमेगा 3 है नया जो लॉन्च किया है वो देखते हुए मैंने एक्साइटमेंट में ख़रीदा, ठीक है, इसको यूज़ कर रहा हूँ, बोला कि हाँ इसको यूज़ करो। और उसके साथ साथ मल्टीविटामिन जो है वो मैं मसल बेस का ही प्रेफर करता हूँ, तो ये दोनों मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल ब्रेकफास्ट के बाद, इसका 2 और मल्टीविटामिन का 1 टैबलेट, ठीक है, इसका 2 कैप्सूल, इसका 1 टैबलेट। गाइस अभी है मील नंबर 2 और मील नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट मील है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बोल दूँ। बट उससे पहले 3 यहाँ पे चीज़ बोलना चाहता हूँ जिसके लिए फैट लॉस जो है वो प्रमोट नहीं होता है किसी का, फैट लॉस कर नहीं पाते लोग। तो बेसिकली फर्स्ट जो चीज़ है वो है खाना जो है
उसका काउंट कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए वो किसी को पता नहीं होता है। सो जैसे कि फर्स्ट जो मील था उसमें आपका थोड़ा कैलोरी हाई था, अभी सेकंड जो मील है इसमें कैलोरी लो हो गया। अभी इसमें क्या ले रहे हो, ये 100 ग्राम आपका वाटरमेलन। अभी इससे क्या होता है कि आपका पेट भर जाता है बट आपका जो कैलोरी जो है वो आपको 28 कैलोरी मिलेगा, 28, ठीक है। और ये है आपका एग वाइट्स जिनमें आपका एक फुल एग है, एक फुल एग और विथ योक और आपका 7 आपका एग वाइट्स, ठीक है। मतलब टोटल 8 अंडा जिसमें एक फुल और 7 आपका वाइट। अभी मेन जो चीज़ है, ये खाना तो सही है बट इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए जो बहुत जन स्किप करते हैं, जिसके लिए फैट लॉस जो है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है या फिर आप बोल सकते हो कि मसल हाइड्रेशन जो है और न्यूट्रिशन जो है वो जो पहुंचना चाहिए मसल में वो सही से पहुंच नहीं पाते, वो है आपका ये वाला चीज़। तो ये है आपका सॉल्ट, ठीक है। अभी आपको सॉल्ट से आपको सोडियम और पोटाशियम दोनों ही आपको मिल जाएगा। अभी जब भी आप पोटाशियम को कंज्यूम करोगे कोई भी मील के साथ तो ऑटोमेटिक आपका मसल्स में जो ग्लाइकोजन जो डिप्लीट हो रहा है फैट लॉस के टाइम में वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जाके स्टोर होने लगेगा और जिससे आपको वो ग्लाइकोजन जो डिप्लीट हो रहा है वो फिर से आपका वापस रिफ्यूल होने लगेगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट का मेनली चीज़ है जो आपको सॉल्ट यूज़ करना चाहिए ईच एंड एवरी मील में थोड़ा थोड़ा करके, और दिन का 7 to 10 grams के आसपास सॉल्ट आपको लेना चाहिए। आप लोग एक चीज़ बोल दो कि बहुत जन इसको स्किप करते हैं क्योंकि उसको लगता है कि इससे पानी होल्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बट आपका मसल हाइड्रेशन जो है उसको सही रखते हैं। तो ये जो मील है इसमें आपका टोटल प्रोटीन है, अभी टोटल आपका 7 egg whites और आपका एक फुल एग है, तो आपका टोटल जो प्रोटीन आपको मिलेगा मैं पकड़ लेता हूँ 4 करके पर egg, तो 4 करके होगा तो 35 grams आप पकड़ लीजिए टोटल मिला के 35 grams के आसपास आपका प्रोटीन आपको मिल जाएगा एक मील से, और 28 grams आपका कैलोरीज आपको यह से आपको मिल रहा है जो वाटरमेलन से। सो ये फुल रखेगा आपको 2-3 घंटा बट आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन फैट लॉस के टाइम में पहुंचाएगा। बट एक चीज़ आप लोग को बोल दूँ कि खाना वैसा ही चूज़ कीजिए जिससे आपको कैलोरी सबसे कम आए, ठीक है। बट मेरा अभी का जो कैलोरी इनटेक है वो है आपका 2000 कैलोरी और प्रोटीन जो है वो है आपका 190 grams, कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा है 210 grams के आसपास कार्बोहाइड्रेट अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे 15 दिन के बाद फिर मुझे नीचे जाना है। सो बेसिकली पहले मैंने कार्ब्स को लो कर दिया था 15 दिन के लिए थोड़ा ऊपर करके फिर मैं नीचे जाऊँगा, ये है मेन स्ट्रेटेजी। अभी देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट आते हैं, बट रिजल्ट तो धीरे धीरे आ रहा है, शो हो रहा है जो एब्स वगैरह जो फैट लॉस जो है प्रमोट हो रहा है। सो चलिए इसको कंज्यूम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपका नेक्स्ट जो लंच है उसमें और देखते हैं लंच क्या है। सो गाइस अभी जो मील नंबर 3 है मतलब लंच जो है वो हम लोग लेने जा रहे हैं, और लंच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट ये नॉन वेज है, अगर आप वेज हो तो आपको ये जो लंच मैं दिखा रहा हूँ ये फॉलो नहीं कर सकते, ये नॉन वेज है। अभी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको लंच में, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अभी मेरा लंच जो है यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये जो राइस है राइस का जो क्वांटिटी है ये है आपका 50 grams, ठीक है। उसमें एक स्वीट पोटैटो है और एक चम्मच आपका दाल है, एक चम्मच एक टीस्पून भी नहीं, मैं एक स्पून आप पकड़ लो एक स्पून आपका दाल है, ठीक है। ये आपका रॉ बीन्स है जो आपका मैं स्टीम किया हुआ है जो आपका 50 grams के आसपास है, ठीक है। इसमें आपका 150 ग्राम चिकन है, अभी चिकन जो है इसमें आपका कैप्सिकम, ठीक है, ये जो कैप्सिकम 50 ग्राम्स यूज़ किया गया, चिकन जो है आपका 150 ग्राम यूज़ किया गया, और उसके साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा आपका ऑनियन और टेस्ट के लिए आपका थोड़ा सा मसाला डाला गया, ठीक है, मतलब ये जो ग्रेवी जो होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कि राइस आपका 50 ग्राम्स इसलिए है कि चिकन से जो कैलोरी आ रहा है एक्स्ट्रा कैलोरी वो मेकअप कर देगा, ठीक है।
उसके साथ है स्वीट पोटेटो जो एक गुड फाइबर है जो आपको हेल्प करेगा आपका फाइबर का जो जो चाहिए फाइबर बॉडी में वो फाइबर को आपको इनपुट करने के लिए। और ये जो बीन्स है इसका भी बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स है, मतलब ये इतना हेल्दी है जब आप एक फैट लॉस प्रोग्राम में रहते हो बीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बूस्ट करते हैं, साथ में आपके एस्ट्रोजन जो है उसको वो ड्रॉप करते हैं नेचुरली। तो यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट्स यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, सिर्फ और खाना। अगर आपके पास बीन्स नहीं है तो आप ब्रोकोली यूज कर सकते हो, सेम काम करेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उसको वो लीवर में प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका खाना जो है सही तरीके से मतलब पचते। अभी बात होता है कि जैसे लो कार्ब्स में हो, लो कार्ब्स में क्या होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो दिन का बहुत ही कम रहता है जिसके लिए आपका जो पॉटी जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। इसके लिए बीन्स बहुत बेहतरीन एक सोर्स है जो आपको हेल्प करेगा ये जो प्रॉब्लम है इसको सही करने के लिए। अभी बात आता है कि ये जो खाना है ये दोपहर का लंच है और ये मैं 2 से 2:30 बजे तक ले लेता हूँ। आज जो टाइम है वो है आपका 2:45 PM, सो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गया बट यही टाइम है, यूजुअली मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट मील है वो होगा आपका पोस्ट वर्कआउट, इसके बाद कोई भी मतलब मील नहीं है। आप बोल सकते हो कि मैं जिम जाऊंगा 6:30 या फिर 7 PM, उससे पहले ये मेरा प्री वर्कआउट मील आप बोल सकते हो। और प्री वर्कआउट में मैं दो चीज यहाँ पे यूज करूंगा, एक है आपका बीटा एलालाइन जो है आपका 3 ग्राम्स और है आपका सिप्चलिन मैलेट जो है आपका 6 ग्राम्स और उसके साथ कैफीन का एक टैबलेट मिलता है, कैफीन वो टैबलेट मैं यूज करूंगा जो 150 mg का, ठीक है। बस यही है मेरा प्री वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट में जो मील है और उसके साथ साथ रात का जो खाना है वो देखने लायक है। रात का खाना जो है उसको मिस मत कीजिए, डिनर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि रात का खाना इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा 8 घंटे का जो स्पैन है उसको कवर अप करते आपका आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में लीन मास जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना मैं भूल गया, वो है कि आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देख पा रहे हो, प्रोटीन देख पा रहे हो, बट एक चीज मिसिंग है वो है आपका गुड फैट। तो गुड फैट के लिए मुझे बोला गया है 5 ग्राम्स आपका घी, ये जो चिकन है उसके अंदर दे के खाने के लिए, ठीक है। सो ये 5 ग्राम्स ज्यादा नहीं, 5 ग्राम आपका घी ऐड करना है या फिर बटर ऐड कर सकते हो, ये गुड फैट सोर्स है आपका जो लंच है उसमें आप ऐड कर लीजिए। गाइस वेट, अभी तक खत्म नहीं हुआ लंच। लंच के बाद आपको 100 ग्राम क्यूकम्बर लेना है। तो 100 ग्राम मतलब एक क्यूकम्बर का वेट ऑलमोस्ट 100 ग्राम के आसपास हो जाता है। अभी इसको कैसे खाना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो पहले इसको ऐसे साफ कर लेते नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। सो आप लोगों को बोल दूं कि मैं जो दिखा रहा हूं आज ये आप अप्लाई करो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, फैट लॉस में हो या फिर आपका वेट गेन में हो, जो भी टाइम में हो। ये खाने के बाद ये जो चीज है क्यूकम्बर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको कैसे खाना है वो मेन चीज है। देखिए मेन जो चीज है कि आपका जो मसल्स है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हो वो सही से पहुंच जाए, वो ट्रेवल करे आपके ब्लड के थ्रू, ये मेन जो चीज है ये आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा, आप खाते जाओगे बट वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा नहीं आपके मसल में तो आपका गेन लॉस कुछ नहीं होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज दिखा रहा हूं, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 हिस्सों में काट दिया, ठीक है। एक 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 लंच के बाद एक क्यूकम्बर इनाफ है, इससे ज्यादा मत खाइए, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 4-5 हिस्सों में काट लिया, ठीक है। अभी क्यूकम्बर के साथ ऐसा एक चीज ऐड करूंगा जो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जो है उसको ट्रेवल करवाने के लिए हेल्प करेगा आपके मसल में, ठीक है। तो क्या चीज है वो, बहुत ही सिंपल चीज है, देखिए वो है आपका सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, थोड़ा सा। थोड़ा सा ठीक है, हो गया। ये क्या होगा,
कि आपके बॉडी में जब जाएगा ये सॉल्ट पोटेशियम जो जाएगा आपके बॉडी में, आपका जो पोटेशियम गेट है मसल में वो उसको ओपन कर देगा। मैंने जस्ट सुबह का मील टू में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए थे, वो गेट जो है उसको ओपन कर देगा और सारा जो न्यूट्रिशन है ग्लाइकोजन है वो मसल के थ्रू पास करेगा, मसल में जाके वो होल्ड हो जाएगा, जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखिए, इसके हिसाब से आप लोग डाइट को फॉलो कीजिए। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आपका 50,000 सब्सक्राइबर्स का जो गिव अवे है वो आ चुका है अफ्तार की तरफ से। तो जैसे ही चैनल का 50,000 सब्सक्राइबर्स होगा, यहाँ से जो वेब प्रोटीन है वो 5 जन को मिल जाएगा। तो क्या है देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे भी पता नहीं है क्या है कि क्या नहीं है, बट एक चीज बोल दो कि 50,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही होगा यहाँ से आपको मिलेगा गिव अवे। और एक चीज आप लोग को बोल दो कि जो 50,000 वाला जो वीडियोस था वो आई बटन पे मैं दे रहा हूँ, वो वाला वीडियोस को जाके कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, जो करना है करो। और ये वाला वीडियोस में आप लोग लाइक शेयर और ये वीडियोस को आप लोगों को 20,000 व्यूज लाना ही है, ये एक टारगेट है आप लोगों के लिए। सो मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप लोग 20,000 व्यूज करवा दो ये वीडियो में, और जितना हो सके कमेंट्स लाइक्स बढ़ दो इसके अंदर, आप लोग का दोस्त के अंदर भेज दो, क्योंकि फुल डे डाइट का वीडियोस है, बहुत जन को हेल्प हो जाएगा साथ में। अभी क्या भेजा है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, बहुत ही वेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आफ्टर इंडिया गिवअवे में आप इतना सपोर्ट करने के लिए। सो व्यूअर्स, अवतार का प्रोडक्ट खरीदिए, मेरा कोड है कोड फिट अवतार, ये वाला कोड लगा के एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी डिस्काउंट है ऑनलाइन पे उसके ऊपर। ठीक है, सो चलिए इसको अनबॉक्स करते, सो एक एक करके निकलते हैं, क्या है देखते हैं क्या नहीं है। सो अवतार ने भेजा है अल्फा हुए, जो है आपका बेल्जियन चॉकलेट, अल्फा हुए आपका बेल्जियन चॉकलेट सबसे बेस्ट जो फ्लेवर है अल्फा हुए का, वो वाला भेजा है बेल्जियन चॉकलेट, अल्फा हुए आपका बेल्जियन चॉकलेट। और इसमें कुछ नहीं है, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर भेजा है एक कैप अफ्तार इंडिया, ठीक है, साथ में ये क्या है देखते हैं, ये है आपका ओके, ये है आपका टी शर्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी मैं गिव अवे कर दूंगा। ओके, ये है और एक टी शर्ट, ठीक है बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अफ्तार ने भेजा है सैंपल्स गाइस, ये वाला जो सैंपल्स है ये मेरे जिम में मैं गिव अवे करूंगा। ठीक है, तो अगर आप तो आना चाहते हो कोलकाता में, कोई हो जो आना चाहते हो जिम में, तो आ जाइए, मेरा जिम है आपका फिटनेस टुडे जो पिकनिक अडक में है। तो ये सारा सैंपल्स है वे प्रोटीन का, ठीक है, इतना सैंपल्स है देखिए, ये सारा आपका जाएगा जिम है जो जिम में होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अफ्तार इंडिया ये सारा कुछ देने के लिए। सो गाइस अभी है मील नंबर 4 जो है पोस्ट वर्कआउट मील। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सेम आपका वाटरमेलन जो है 100 ग्राम यहाँ पे है, और सेम यहाँ पे थोड़ा सा आपका सॉल्ट जो है वो आपको देना है। अभी पोस्ट वर्कआउट में जो चीज़ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। सो एक स्कूप वे प्रोटीन आपका चाहिए जो आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ क्रिएटिन। अभी यहाँ पे जो सस्ता क्रिएटिन है वो है ये वाला एथलैब का क्रिए पावर 447 ऐसे कुछ, 450 रुपीस पकड़ लीजिए। सो इसका लेना है मुझे 3 ग्राम और थोड़ा सा टोटल 5 ग्राम, ठीक है, ये मुझे लेना है। और ये हो गया मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, ठीक है, ये पोस्ट वर्कआउट मील, देखिए लो कार्ब्स हाई प्रोटीन
साथ में आपका क्रिएटिन जो मसल में वाटर को होल्ड करेगा और फुलनेस जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये हो गया मील नंबर 4। बट मील नंबर 5 जो है, डिनर जो है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रूर देखिए। वो मेरा बहुत फेवरेट एक मील है, आप लोग देखिए ध्यान से। तो अभी है मील नंबर 5, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मील नंबर 5 जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा एक मील है, और बहुत पसंद करता हूँ ये मील को मैं, जब से मैं इसको खा रहा हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी जो दिखाने जा रहा हूँ ये अगर आप खा सकते हो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइस जो है वो उसका क्वांटिटी सेम है 50 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे जो चिकन देख रहे हो, यहाँ पे आपका 150 ग्राम चिकन है, उसके साथ आपका कैप्सिकम इसके अंदर ऐड है, ठीक है। कैप्सिकम आपका 100 ग्राम के आसपास है। जो मेन चीज़ है जो खाने के साथ यहाँ पे मैं खाने जा रहा हूँ वो है आपका, ये क्या है आपका क्यूकम्बर, ठीक है। ये आपका 100 ग्राम है, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीज़ ऐड करूँगा। फर्स्ट जो चीज़ है बार बार मैं बोल रहा हूँ वो है आपका क्या, नमक, ठीक है, सॉल्ट, थोड़ा सा नमक आपको ऐड करना है। वेट वेट वेट, अभी बहुत कुछ दिखाना है। ओमा ये डाल तो कहने वाले चाट मसाला था। सो इसमें अभी जो डालूंगा वो है आपका चाट मसाला, बट उससे पहले एक चम्मच ये है आपका घी योगर्ट, ठीक है, सबसे पसंदीदा खाना मेरा, ठीक है, सबसे पसंदीदा। तो ये आपका 100 ग्राम आपका घी योगर्ट इसके अंदर जाएगा। फ्रीजर है करो, और इसके साथ आपका थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, थोड़ा टेस्ट के लिए, दैट्स इट। सो ये है मेरा ओवरऑल डिनर। ये आपका बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, आपके लीवर में जो गुड बैक्टीरिया है खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वो, और उसके साथ साथ नमक दिया, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि नमक इसलिए दे रहा हूँ कि वो जो पोटेशियम का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में, जिससे आपका न्यूट्रिशन जो है बॉडी में आपका फ्लो होगा, मसल में जाके वो न्यूट्रिशन पहुँचेगा, ग्लाइकोजन पहुँचेगा, एनर्जी पहुँचेगा उसके लिए, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, प्रोटीन कार्ब्स तो इसमें बहुत ही नॉमिनल कार्ब्स है, बट ये बहुत हेल्दी है। लास्ट में मैं इसको खाऊंगा, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, प्रोटीन कार्ब्स। और तो यही है ओवरऑल मील, 5 मील जो अभी मैं कंपटीशन के लिए ये कर रहा हूँ। और ये देख पा रहे हो आप लोग, एब्स आ गया, देख पा रहे हो, और मैं ऑब्लिक्स दिखाऊँ, देखिए ऑब्लिक्स भी आ गया, देखिए देखिए सेम। ये डाइट को फॉलो कर लो, सिर्फ अभी इसमें से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके आपका कार्ब्स जो है वो कम होता जाएगा। कितना क्या कम हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा, अभी ये वीडियो इतना देर तक, ठीक है। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।